देश भर में बोर्ड रिजल्ट एग्जाम अनाउंसमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक कई राज्यों के बोर्ड रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कई राज्यों में अभी पेंडिंग है। तो आज भी कई राज्यों के बोर्ड रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं, उनमें से एक है केरला बोर्ड। केरला बोर्ड की तरफ से SSLC यानी कि 10th का रिजल्ट आज 8 मई को 3 बजे तक अनाउंस कर दिया जाएगा। केरला बोर्ड की तरफ से 10वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आयोजित की गई थी, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो आज उन सभी स्टूडेंट्स का इंतज़ार 3 बजे तक खत्म हो जाएगा। 3 बजे के बाद रिजल्ट को लाइव कर दिया जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से अपना रिजल्ट ऑनलाइन खुद से कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपको shakibraza.com इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको मेन्यूज़ में जो है एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट का। अगर आप मोबाइल में इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेन मेन्यूज़ का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप मेन मेन्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो ये सभी मेन्यूज़ आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप रिजल्ट पर कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको केरला बोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर केरला SSLC रिजल्ट 2024 इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, जिसको आप जो है पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑल इम्पोर्टेंट लिंक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक है वो सभी इम्पोर्टेंट लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि parikshabhavan.kerala.gov.in। ये परीक्षा भवन की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ kerala.result.nic.in इस पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर ये 2023 का अनाउंसमेंट है। तो जैसे ही आज रिजल्ट अनाउंस होगा, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से फिर आप अपनी डिटेल्स फिल करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर हायर सेकेंडरी का ये रिजल्ट अनाउंस किया गया था 2023 में, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर फिल करना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर आपको 2024 का जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो एक नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और जो भी जरूरी डिटेल्स मांगी जाती है वो डिटेल्स फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अगर ये वेबसाइट ओपन नहीं होती है या फिर वेबसाइट स्लो चलती है तो इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इन अदर लिंक पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इन वेबसाइट के अलावा और भी जिस वेबसाइट पर केरला बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा वो सभी लिंक यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएंगे, जो भी लाइव लिंक होंगे। तो आप किसी पर भी क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपको मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए होंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर आप ग्रेडिंग सिस्टम भी देख सकते हैं, 90 से लेकर 100 के बीच में जिसके मार्क्स होंगे उसको A+ मिलेगा, 80 से 89 के बीच में जिसके होंगे उसको A मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप ग्रेडिंग सिस्टम को भी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी के अच्छे रिजल्ट के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैव फन।